भी किया जाएगा। गिरिराज की लीलाओं का वर्णन होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति यज्ञ जो चल रहा है आज सतत 5 दिनों से, इसके मुख्य यजमान रवि प्रकाश मदनवाल जी, जिनके श्री राधा श्याम सुंदर बिहारी लाल के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उपलक्ष में, वार्षिकोत्सव के उपलक्ष में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें हम सभी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। उत्सव हमारे जीवन के उत्साह को बढ़ाता है। मनुष्य जीवन उत्सव को ही मनुष्य जीवन कहा जाता है। यदि व्यक्ति के जीवन में यदि उत्साह नहीं है, उत्सव करने का उत्साह नहीं है, तो उसका यह मनुष्य शरीर धारण करना बेकार है। उसको किसके समान बताया गया? वो लोहार की धुकनी देखे ना, जो लोहार की धुकनी होती है उसको चलाया जाता है तो उसमें से सांस निकलती है, वो फूलता है और पचकता है। तो जिसके जीवन में उत्सव नहीं है, उसके जीवन में दुखों का पापों का बड़ा भयंकर बोझ है। उसका जीवन लोहार के धुकनी के समान है कि वो केवल इस धरती पर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, केवल ले रहा है और छोड़ रहा है। इसलिए ये जो उत्सव होते हैं, उत्सव हमारे उत्साह का वर्धन करते हैं, हमें जीवन को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जीवन जीने की अभिलाषा को बढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो मनुष्य जीवन है वो अभिमान से भरा हुआ है, अभिमान से भरा हुआ है। जब तक हम इस अभिमान का त्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय लेके और अपने जीवन को उत्साह से भर नहीं देते, तब तक ये हमारा जो जीवन है वो पशु के समान है, पशु के समान। यहां तक कि ये जो भगवान की कथाएं हैं, यहां तक बोला गया कि जीवन छवो निगदिता सतु पाप कर्मा एन सुतम सुख कथा न वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशुतम भूविभार रूपम एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्य। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? देवी देव समाज मुख्य, जो हम लोगों के समाज के देवता हैं, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो स्वयं इंद्र कह रहे हैं। जीवत छवो निगदित सतु पाप कर्म एम सुतम सुख कथा वचनम न किंचित। जिस व्यक्ति ने आज तक इतना बड़ा जीवन व्यतीत करके और अपने अंतिम समय की तरफ अग्रसर हो रहा है, यदि वो व्यक्ति जीवन में कभी कथा श्रवण नहीं किया, सुख कथा वचनम न किंचित, यदि किंचित मात्र उसने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, तो उसको गाली दे रहे हैं स्वयं भगवान की। कह रहे अधिकतम नरम
कह रहे उसके इस मनुष्य तन को ग्रहण करना धिक्कार है, मनुष्य शरीर ग्रहण करना धिक्कार है। दिक्तम नरम पशु सम, हम तो बस भुकनी ही बोले थे लेकिन यहां कह रहे हैं कि वो पशु के समान है। पशु की रुचि कथा में नहीं होती। यदि किसी कुत्ते को लाके इस मैट पर बैठा दिया जाए, यहां पर उसको कुर्सी लगा कर बैठा दिया जाए तो ये कथा उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली, उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली, उसके काम की ये कथा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वो पशु के समान है, जानवर पशु सम भूमि भार रूप, बोले वो इस धरती पर भार स्वरूप में चल रहा है, धरती के ऊपर भार स्वरूप है। क्योंकि जब हम उत्सव करते हैं तो हमारे पितृ देवता स्वयं धरती माता स्वयं हमारा समाज स्वयं हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, सब मिलकर के उस उत्सव में भाग लेते हैं। जब ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का आयोजन होता है तो वहां पे देवता पितर गंधर्व जो आपके घर आपके दरवाजे कभी नहीं आए थे वो सब किसी न किसी वेश पकड़ करके किसी न किसी वेश में आकर के वो आपके घर में विराजमान हो जाते हैं, आपके घर में प्रवेश करते हैं, आपके घर को पवित्र करते हैं। और उस समय जब हम उत्सव करते हैं तो संत महात्माओं के पवित्र चरण भी तो घर में पड़ते हैं। और यदि संतों का जिसके घर में कभी चरण नहीं पड़ा, आजन्म मात्रमपीन सठेन किंचित, कह रहे हैं कि वो तो जो कथा नहीं सुना वो तो पापी है ही है, वो पाप की वजह से कथा को श्रवण नहीं कर पाया और पाप की वजह से ही, क्योंकि जब ये क्या है ये ब्रेकर का काम करते हैं, जो हमारे पाप होते हैं वो ब्रेकर का काम करते हैं, हमें रोकते हैं उधर जाने से। जब हमारी बुद्धि में कभी अगर ऐसी बातें आती हैं तो वहां अवरोध उत्पन्न हो जाता, ना ना ये सब नहीं करना, इससे बच के रहो, दूर रहो इससे। लेकिन कह रहे हैं कि अधना अपि ते धन्या, कह रहे हैं ऐसे उत्सव जब हम करते हैं तो संत महात्माओं के चरण पवित्र हमारे घर में पड़ते हैं। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना, बोले हम लोग गृह मेधी हैं, हम लोगों का पूरा जीवन अपने कुटुंबियों के चक्कर में बीत गया, हम अपने स्वजन को अपने परिवार को क्या दे दें लूट करके, हम अपनी संतान के लिए क्या छोड़ के चले जाएं, फिर भी संतान यश गाने वाला ना, तुम्हें तो एक अगरबत्ती भी वो नहीं दिखाएगा, रोएगा एक दिन, तीसरे चौथे दिन के बाद तेरहवीं में लग जाएगा और बाल मुड़वा के पूरी छनवा के खिला के और फुर्सत हो जाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ करने वाला ना, उससे ज्यादा वो कुछ करने वाला ना। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना, जो हम लोग गृह मेधी हैं, जिसकी मति गृह में ही केवल है वही गृह मेधी है। बोल रहे हैं जिसके घर में संतों के चरण पड़ गए, अधना अपि ते धन्या, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो धन्याति धन्य हो गया, धन्याति धन्य हो गया, धन संपदा से भर जाता है। जिसके घर में ठाकुर जी आ जाएं
लक्ष्मी आदि झाड़ू लगाने लगते हैं, देवता आदि पानी भरने लगते हैं, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वहां देवताओं का बगैर बुलाया आह्वान होता है। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए वो स्वयं पधारते हैं। इसलिए कह रहे हैं अधना अपिते धन्य, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो मन का बड़ा धनी हो जाता है। अधना अपिते धन्य, सब कुछ सारी संपदा भर जाती है साधु गृह में। यद गृहास यर हवर अंबु तृण भूमि स्वरा वरा। और बोले यदि संत महात्मा आके घर में यदि एक तिनका भी तुम्हारा स्वीकार कर लिए तब तो पूछो ही मत। यद गृहास तीर्थ पाद ये पाद तीर्थ विवर्जिता। बोले वो घर तीर्थ नहीं रहा, तीर्थों को भी पवित्र करने वाला महातीर्थ बन गया, महातीर्थ बन गया। लेकिन जिनके घर में आज तक कभी संतों का चरण नहीं पड़ा, ऐसे भगवान के उत्सव नहीं हुए, उस घर में जानते हैं क्या होता है। प्याला लय गुमा वेते परिता खिल संपद। कह रहे उस घर में केवल कलह क्लेश मचा रहता है, केवल कलह होता है, केवल क्लेश मचा रहता है। और कह रहे अखिल संपदा उसके घर में भरी है लेकिन फिर भी वो भिखारी की तरह भाग रहा है चौबीस घंटे। अखिल संपदा भरी हुई है उसके घर में लेकिन फिर भी वो भिखारी की तरह 24 घंटे दौड़ रहा है। क्यों? यही कारण है क्योंकि उसका जीवन जो है वो क्लेश में बीत रहा है, उसके जीवन में बड़ा कलह है, कष्ट है। लेकिन जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है वो पंच प्रदीप सजा के और चार बार ठाकुर जी को घुमा के और घर में खा के आनंद से पड़ा है, आनंद से पड़ा है। ठाकुर जी सब कुछ उसको दे रहे हैं घर बैठे, लो अच्छा अच्छा रसोई करो और हमको खिलाओ और तुम भी खाओ। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम मोहम्मयम। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूं, पहरेदारी करता हूं। बलि महाराज की पहरेदारी किए थे या नहीं? भगवान किए थे। नित्य नित्य आपकी सेवा में रहते हैं ठाकुर जी, कोई चीज की कमी पड़ गई यदि तो ठाकुर जी आपको ला के देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं क्यों तुम्हें भजन करना है ना, अगर तुम्हें भजन करना है तो मैं कंधे पर लाद के ला के दूंगा, तुम खाओ और भजन करो, कोई चिंता करना नहीं, आनंद में रहो, आनंद की बंसी बजाओ। क्योंकि ठाकुर जी से जो प्रेम करता है ठाकुर जी के प्रेम को वही समझ सकता है, वही समझ सकता है, दूसरा कोई क्या जानेगा, दूसरा कोई तो महसूस भी नहीं कर सकता, दूसरा कोई तो बस यही कहेगा पगला गया है, पता नहीं किस साधु के चक्कर में पड़ गया। तो यही बोलते कि कोनो साधु के चक्कर में पड़ गए बेकार हो गए। क्योंकि देखा है ना पागल खाने आप लोग गए हैं, पागल खाने जहां पागल लोग बन रहते हैं, पागल खाने में सब पागल बंद रहते हैं और जब डॉक्टर साहब कोट पहन के जब उसमें प्रवेश करते हैं अस्पताल में पागल खाने में तो जो सब पागल बंद होते हैं ना वो अंगुली दिखा के यही कहते हैं कि देखो देखो पागल आ रहा है, देखो देखो पागल आ रहा है। वैसे इस संसार रूपी जेल में सब पागल ही कैद है, सब पागल ही कैद है। जो दो चार ठोक घूमते फिरते डॉक्टर दिखाई देते हैं तो उनको सब क्या बोलते हैं, यही पागल, यही पागल आ गया। पागल की संज्ञा ही तो दी जाती है लेकिन पागल मतलब पागल, जो भगवान को पा जाएगा वो तो पागल हो ही जाएगा,
उसको तो पागल होना ही होना है, वो तो उसी के पीछे भागता रहेगा। तुम्हें ध्यान ही नहीं देगा, तुमसे बात ही नहीं करेगा, तुम्हारी कोई चर्चा ही नहीं करेगा, तो तुम्हें इरिटेशन होगा, तुम्हें जलन होगा, तो तुम कहोगे कि पगला गया। इसलिए जो उत्सव है वो हमारे उत्साह को वर्धित करता है, हमें जीवन जीने का एक नया तरीका देता है, जीवन जीने का एक स्वरूप प्रदान करता है, जिस स्वरूप में रह करके हम अपने जीवन को सही दिशा देते हैं, अपने जीवन शैली को बदल पाते हैं, और जीवन शैली को बदलने से ही हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए, यदि जीवन के जीने के तरीके को यदि बदल के हमें सुख की अनुभूति हो जाती है, तो जिस दिन ठाकुर जी सामने आके खड़े हो जाएंगे और पकड़ के गले से लगा देंगे, उस दिन तुम्हारा क्या होगा, उस दिन क्या होगा, उस दिन तो बेहोश होकर गिर जाओगे, तुम्हारी चेतना ही नष्ट हो जाएगी, अचेत हो जाओगे, क्योंकि आनंद ऐसा ही होता है, आनंद ऐसा ही होता है। हम लोग इतना सा आनंद पाते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार में बड़ा आनंद है, आनंद पाए नहीं आज तक, आनंद पाए नहीं, केवल आनंद की खोज में हो, तो केवल आनंद की खोज में हो, अभी आनंद पाए नहीं हो। एक बच्चा जब छोटा सा जन्म लेता है तो वो अपने मां से प्रेम करता है, मां से उसको संतुष्टि नहीं मिलती तो पापा से प्रेम करता है, पिताजी से प्रेम करता है, और थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो अपने पड़ोसी बच्चों से प्रेम करने लगता है, और जब और थोड़ा सा बड़ा होता है स्कूल जाने लगता है तो अध्यापक से प्रेम करने लगता है, थोड़ा और जब बड़ा हो जाता है तो वो गर्लफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड बनाता है, वहां भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, सोचता है कि नौकरी करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी, नौकरी भी करने लगता है, मिली संतुष्टि नहीं मिली, सोचा शादी कर लिया तो हो सकता है कि कुछ आनंद मिले, मिला ना, स्वतंत्रता तुम्हारी बंध गई, बच्चे भी हो गए, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन आज तक यही कहते आ रहे हो कि स्वतंत्र हो जाएंगे, अभी तक हुए नहीं, तुम काहे खोज रहे हो भाई, ये हम इससे उससे 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 हम क्यों बदल रहे हैं, स्थान का स्थानांतरण क्यों कर रहे हैं, कभी इससे करें, कभी उससे करें, कभी उससे करें, उससे करें, क्योंकि किसी के पास पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हमें नहीं हुई। नदियों का चलना तभी बंद होता है जब वो जाके समुद्र में मिल जाती है, तब जब समुद्र में जाके मिल जाती है तो उनका चलना बंद हो जाता है, तब जाके वो स्थिर होती है। वैसे ही जो हमारा प्रेम है वो हम आज केवल बदल रहे हैं, इनसे करते उनसे करते उनसे करते उनसे करते हैं, लेकिन किसी के अंदर मुझे पूर्ण प्रेम मिला नहीं। जब पूर्ण प्रेम नहीं मिला तो भाई मरते दम तक तुम यही कहे कि सुख नहीं मिला जीवन में, केवल खटते खटते ही जीवन व्यतीत हो गया। तो जब तुम्हारा खटते खटते ही जीवन व्यतीत हो गया तो जीवन जी के मिला क्या, तुमको मिला क्या जीवन जी का, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए भाई सुख को पाने का प्रयास करो, इस जीवन में कुछ नहीं है, आंख बंद हो जाएगी, सब यही पड़ा का पड़ा रह जाएगा, और जब तक तुम जियोगे तब तक तुम्हारे पास कमी रहेगी। इसलिए हम ऐसे उत्सवों को करके, ऐसे उत्सवों में शामिल होकर के हम अपने उत्साह का वर्धन करते हैं, अपने जीवन के आनंद की अनुभूति करते हैं।
उसी आनंद की अनुभूति हमारे नंद बाबा नंदोत्सव मना के कर रहे हैं। जैसे हमारे रवि जी वार्षिकोत्सव मना के आनंद ले रहे हैं 5-6 दिन से, वैसे हमारे नंद बाबा नंदोत्सव मना के आनंद लूट रहे हैं। कल कोई कह रहा था कि महाराज एक सोहर गा दीजिए, तो मेरे मन में ऐसा आया कि अगर वृंदावन में होते तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, और जैसे जैसे आप बिहार की साइड में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या आ जाता है, जुग जुग जीवे सुललना भाना वाक भाग जागल हो, ललना लाल होइने जुग जुग जीवे सुललना भवना वाक भाग जागल हो, ललना लाल होइने। फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ललना लाल होइने फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, बड़ा सुंदर हो, ललना लाल होइने
रखिया तारावे जैसे बाबूजी के रखिया माई के हो, रखिया तारावे जैसे बाबूजी के रखिया माई के हो, ललना मुहा जनवा सूरज वत सगरो अनोल भइले हो, ललना मुहा जनवा सूरज वत सगरो
के दीपक बनवाया सनगर हो। वैसे ही नंद बाबा नंदोत्सव मना रहे थे ब्रज में, और नंदोत्सव इतना धूमधाम से मना रहे क्योंकि वो किसी बेटे का उत्सव नहीं था, वो बेटे के साथ साथ स्वयं परम पिता परमेश्वर का उत्सव था। क्योंकि भगवान का उत्सव कोई करता नहीं, भगवान का उत्सव महोत्सव कोई मनाता नहीं, भगवान कान पकड़ के मनवा लेते हैं उत्सव। ऐसा कभी अहम नहीं लाना चाहिए कि हम भगवान का उत्सव मना रहे हैं। भगवान का उत्सव कौन मनाएगा इस संसार में? भगवान का उत्सव कोई नहीं मनाता, भगवान अपना उत्सव स्वयं मनवा लेते हैं। और इतना धूमधाम से उत्सव चल रहा था, उसके पीछे एक कारण और था कि नंद बाबा 80 साल के हो गए थे और 80 साल की उम्र में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 80 साल की उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और इतने उम्र में यदि किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो उसके मन में आनंद तो आएगा। जन्म के पहले से एक महीना पहले से आज तक तो डॉक्टर लोग चेक करके बताते हैं कि किस डेट को आप डिलीवरी करवाएंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो वैद्य लोग नस को पकड़ के बता देते थे कि कितने दिन में बच्चा जन्म लेगा। लेकिन आजकल जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनकनी उनकी कुंडली ठीक नहीं बनी, क्योंकि उसी बच्चे की कुंडली सही मानी जाती है जिसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है। आजकल तो पेट फाड़ के डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं, समय दिखाई देता है क्या उनको? अगर पेट फाड़ के अगर बच्चे को बाहर निकाल दिया तो उसका कुंडली उसका सही जन्म तिथि नहीं आप बता सकते। उसको जब समय था उसका जन्म का, हो सकता उस समय नहीं हुआ, हो सकता उसके बाद हुआ या हो सकता उसके पहले हुआ, इसलिए उसका सही वो जन्मदिन नहीं होता। पर वैसे भी आजकल इतनी समस्या बढ़ गई है इस मामले को लेकर कि पूछिए मत, कोई ऐसे नॉर्मल कोई व्यक्ति ऐसे होगा लाखों में एक दो लोग होंगे जिनकी डिलीवरी ऐसे नॉर्मल हो जाती है, नहीं तो डॉक्टर साहब पहले से पकड़ लेते हैं बस सब 30-40 हजार रुपए की व्यवस्था हो गई है इस महीने में। क्योंकि जितना आप आलसी बनोगे, जितना आप आलसी बनोगे उतने दुख के मुंह में चले जाओगे, उतने दुख के मुंह में जाओगे, उतना कष्ट आपको भोगना पड़ेगा जितना सुख लोगे ना। मैं 2-3 दिन से यह बात बोल रहा हूं आपको, जितना आप सुख लेने का प्रयास करोगे इस संसार में उसका 4 गुना तुमको दुख भोग करके जाना पड़ेगा। पहले के माताओं को बच्चा हो जाता तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब बच्चा पैदा हो जाता, काम करती रहती थी बस आधे एक घंटे में बच्चा पैदा हो जाता था, कोई कष्ट नहीं कोई दुख नहीं। आज तो 9 महीने उसको झेलना पड़ता है, 9 महीने कष्ट ही कष्ट उसको मिलता है। क्यों? और आलसी बनो भाई, और आलसी बनो, तुम सुख लेने के चक्कर में आलसी बन रहे हो और तुम जानते हो कि भाई यहां पे सुख नहीं है, क्यों सुख लेने के चक्कर में पड़े हो? जब सुख नहीं है तो तुम सुख लेने के चक्कर में पड़ोगे तो ये प्रकृति जो है ना वो तुमको छोड़ेगी नहीं। आज देखे समय पे बारिश होती है क्या? जब किसानों का खेत पक के तैयार हो जाएगा तो आंधी तूफान आता है, और जब उनके बोने का समय होगा तो बारिश नहीं होगी।
आज प्रकृति भी अपना रास्ता बदल दिया है, प्रकृति अपना रास्ता बदल दिया है। क्योंकि भैया आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो उसको तो अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बस में नहीं है ना, वो आपके बस में नहीं है। ये प्रकृति के खिलाफ आप जाएंगे तो ये प्रकृति आपको दुख देगी, प्रकृति आपको दुख देगी, आप बच नहीं सकते। अब बोलोगे महाराज की फिर ये समय से बारिश न होना न होने का क्या मतलब है? एक बार पृथ्वी देवी ने सब कुछ अपने अंदर अवशोषित कर लिया था, खींच लिया था, इस धरती पर अन्न नहीं होता था। चाहे कितना भी हाइब्रिड लगाओ और चाहे कितना भी खाद दो, एक अन्न का दाना नहीं पैदा होता, कुछ नहीं होता था, इस धरती से कुछ पैदा होता ही नहीं था। पृथु महाराज जब आए तो देखे कि उनकी जो प्रजा थी बहुत दुखी थी, खाने के लिए नहीं था। राजा बन के क्या करोगे, जब पृथ्वी अन्न ही नहीं देगी तो तुम खाओगे क्या, क्या खाओगे? तब पृथु महाराज ने दोहन किया था, पृथ्वी गाय बनी थी और स्वयं महाराज परीक्षित दोहन किए थे। दोहन करके खाद्य पदार्थों को इस धरती पर पुनः लाया गया। इसलिए वही समय फिर आ रहा है, जितना अधर्म बढ़ता जाएगा उतने ही हम दुख के सागर में डूबते चले जाएंगे। क्योंकि गीता कहती है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कह रहे हैं कि आप यदि अच्छा कर्म करते हो, अच्छे कर्मों से यज्ञ संपन्न होता है, धर्म के कार्य करने से यज्ञ संपन्न होता है, और यज्ञ जब संपन्न होता है तो बारिश होती है, और बारिश जब होती है तो अन्न होता है, और जब अन्न होता है तो उसको खा के हम इस जीवन को धारण करते हैं। जब तुम धर्म की जगह अधर्म करने लगे तो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, और यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है तो बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होगी तो तुम करो खेती, पानी का सतह भी देख रहे हैं अपना स्थान छोड़ता चला जा रहा है, तो करना सिंचाई है, कुछ नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इस धरती से कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसे ही पाप बढ़ता रहा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज प्रकृति अपना रास्ता बदल दी तो केवल हम लोगों के अधर्म के चलते। हम लोग कहते हैं ना, हम गलत कर रहे हैं तो दिखाई कहां दे रहा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क तो इतना भयंकर पड़ रहा है कि तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अपने उन्नति के पीछे जो भाग रहे हो अंधे की तरह, तुमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी है इस संसार का। इसलिए सही जन्मोत्सव आज के बच्चों का नहीं मनाया जा रहा है, और कुंडली भी सही नहीं बन रही, क्योंकि उनका जन्म दिन ही ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब पेट फाड़ के निकाल देंगे तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी तो है नहीं, कि जिस समय जिस नक्षत्र में उनको जन्म लेना था, जिस नक्षत्र में इस संसार में आना था, उस नक्षत्र में, उस दिन में, उस समय में, उस मुहूर्त में तो आया नहीं। इसलिए भगवान का जो मुहूर्त था वो दिव्य मुहूर्त में भगवान जन्म लिए थे, और एक महीने पहले से उनके उत्सव की तैयारी चल रही थी। क्योंकि हमें उत्सव एक घंटे में नहीं मना लेना चाहिए,
आधे घंटे में मना लेते हैं लोग। उत्सव कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलते रहना चाहिए। जब 4-5 दिनों तक उत्सव चलता है तो हमारे दुखों की भी निवृत्ति होती है, हमें हमारे सुख की अनुभूति होती है। इसलिए उत्सव की तैयारी 1 महीना पहले से हो रही थी, और जिस दिन लल्ला का जन्मदिन हुआ उस दिन तो जितना भी दूध मक्खन घी था सब यशोदा और नंद ला के सामने रख दिए, और खूब ब्राह्मणों को छकाए और खूब इस धरती पे लुटाए, खूब लुटाए। और सारी सखियां ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को निहार निहार के खूब आनंदित हो रहे थे, क्योंकि इसीलिए तो ठाकुर जी गोकुल में आए थे कि जो गोपी बन के दंडकारण्य वन से ऋषियां, जो ऋषि आए थे गोपी बन के कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी तो केवल एक ही इच्छा थी केवल ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी का दर्शन करके वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते थे, उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल भगवान का दर्शन, केवल भगवान का दर्शन करके वो अतिशय आनंद की प्राप्ति करते थे। खूब नाचे खूब नाचे। और नंद यशोदा दोनों हाथ से लुटा रहे थे, दोनों हाथ से लुटा रहे थे। आंगन में उत्सव चल रहा था और आंगन के दरवाजे दीवार के ऊपर चढ़ के नंद यशोदा दोनों हाथ से लुटा रहे थे। आज उनके घर में संपत्ति की कमी नहीं पड़ी, जितना लुटाते थे उसका 4 गुना बढ़ता चला जाता था। ठाकुर जी की सेवा करके तो देखो, ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में हम किसी के ऋणी नहीं है, किसी का ऋण नहीं मेरे ऊपर, केवल एक ही ऋण है मेरे ऊपर, किसका? गोपियों, गोपियों के ऋणी हम, और किसी के ऋणी नहीं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करके तो देखो, 1 रुपया लगाओगे तुमको 4 रुपये देंगे। भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, तुम जो भी खिला पिला रहे हो उसका 4 गुना करके तुम्हें वापस कर देते हैं, अपने सर पे वो बोझ नहीं लादते, बोझ नहीं लादते। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने वाले व्यक्ति के घर में किसी चीज का अभाव नहीं होता, कभी कभी अभाव नहीं देखा जाता, किसी चीज का अभाव नहीं होता, क्योंकि स्वयं उस घर के मालिक ठाकुर जी हैं। और जब ठाकुर जी मालिक उस घर के हो गए तो भैया हम तो नौकर हैं, हम तो नौकर हैं। और जब तुम जिस दिन नौकर बन जाओगे तो फिकर करने की चिंता नहीं, मालिक कमा के लाएगा और तुम उसको बना के खिलाओ, कोई चिंता नहीं भाई। तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे, नहीं हम बगैर खाए रहेंगे तो तुम भी बगैर तो खाए रहोगे, ऐसा थोड़ी है कि हम खाएंगे या तुम अकेले खा लोगे, नहीं, हमारा तुम्हारा संबंध जुड़ा है, हम तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम हमको दोगे तो भाई हम तुमको खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। इसलिए भगवान के भक्तों के घर में कभी अभाव नहीं होता किसी चीज का, वो 3 गुना 4 रात 4 गुना वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का सर भी उनके हाथ में रहता है। दोनों हाथों से नंद यशोदा लुटा रहे थे, दोनों हाथों से लुटा रहे थे, और सब ग्वाल बाल खूब लूटे, खूब लूटे। खूब लूट लूट कर सब लोग नाच नाच कर गाए, जैसे कल सब लोग नाचने में शर्मा रहे थे ना, ऐसा कल नहीं था। वहां पे जितने ग्वाल बाल और जितनी गोपियां आती थी
क्योंकि व्यक्ति को जब पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है तो वो ये नहीं देखता कि हमको कौन देख रहा है, वो ये नहीं देखता। मीराबाई नाची थी, और कहां नाची थी? संतों के बीच में नाती थी, वहां पे स्त्रियां नहीं थी। अकेली मीरा नाची थी द्वारिकाधीश के मंदिर में, और इतना नाची थी कि नाचते नाचते उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। जितना पसीना छूटता था वो उसके सारे कर्म बंधन छूटते चले गए, वो एकदम पवित्र होती चली गई। भक्त तो जब नाचते हैं भगवान के सामने हाथ उठा के तो प्रत्येक पद पर वो आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रत्येक कदम पे आनंद की अनुभूति करते हैं। और इस आनंद में मीरा डूब गई, कि डूब इतना गई कि वो भगवान के मंदिर में जाके घुस गई, गर्भगृह में घुस गई। उस गर्भगृह में जबकि स्त्रियों का जाना वर्जित है, पुजारी लोग जाके दौड़ के देखें कि भाई इस स्त्री को निकाल के बाहर करें, और जाकर जब देखे तो उस मंदिर में कोई नहीं था, केवल इतना मीराबाई का पल्लू दिखाई दिया भगवान द्वारिकाधीश के अंदर विग्रह में प्रवेश करते हुए, और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है तो उसका पैर रुक ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक वो कूदने लगता है। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, प्रत्येक कदम पे वो साक्षात अमृत का पान करता है, आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए जितनी गोपियां थी वो खूब नाची, खूब नाच नाच के गाती थी, और गोपाल जी को देख देख के अतिशय आनंद की अनुभूति करती थी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, जब उत्सव चल रहा था तो गोपियां, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, किसी ग्वाल बालक को निमंत्रण नहीं दिया गया, सब अपने आप गोपियां आई और घर घर कह के अपने घर पे चली थी। किस लिए जा रही है? वहां लूटने जा रही थी, क्योंकि ब्रज में जब नंदोत्सव मनाया जाता है, कथाओं में जब नंदोत्सव होता है तो जितने बैरागी होते हैं ना, जो लंगोट और कमंडल के लेके चलते हैं, वो भी एक एक रुपए को लूटते हैं, ऐसा लगता है सर फोड़ लेंगे। जो व्यक्ति रोड पे पड़ा करोड़ों रुपए को ठोकर मार देता है, मिट्टी के समान समझता है, वो नंदोत्सव में एक एक रुपए को लूट रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वो पैसे को नहीं लूट रहा है, वहां तो साक्षात लक्ष्मी बरस रही है, वो लक्ष्मी को लूट रहा है। लेकिन हमारी दृष्टि में तो टॉफी बिस्कुट और सिक्का लुटाया जा रहा है, 10 रुपए से क्या होगा, हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए लूटने के लिए। और 1 लाख रुपए वालों का कभी पेट नहीं भरता, 1 रुपए वालों का पेट भरता है। तो गोपियां अपने घर से चलती है क्या करके, अपने ससुर से और अपने घर वालों से, सास से वो कहती है, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ
Thank you.
गौने में लाई थी जो बजरंगी साड़ी, गौने में लाई जो बजरंगी साड़ी, गौने में लाई थी जो बजरंगी साड़ी, गौने में लाई जो बजरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की कढ़ाई, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की कढ़ाई, गौने में साड़ी लाई थी वही पहन के जाऊंगी। मतलब कि ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ऐसे नहीं जाऊंगी, एकदम तैयार होके जाऊंगी। वैसी तैयारी आज के पहले कभी नहीं की, वो तैयारी करके जाऊंगी क्योंकि आज ठाकुर जी का दर्शन करने जाना है। और पहन के जाऊंगी तो पल्लू मार के बैठूंगी नहीं, ये नहीं कि सज के जाएंगे तो कहीं हमारी क्लीच ना खराब हो जाए, कहीं गर्दा न लग जाए, कहीं माटी न लग जाए, ऐसा भाव नहीं था। वो क्या कह रही है, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की कढ़ाई, जयपुरिया लहंगा पे गोटे की कढ़ाई, हरी हाँ।